जो हमारे एलर्जिक मरीज होते हैं, जो जो इन पोलन से एलर्जिक होते हैं, उनके सिम्टम्स में जो वो इजाफा है। जो हमारी तहकीक भी यहाँ हुई है डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में, हमने देखा है कि जो बाकी प्लांट्स के पोलन है वो ज़्यादा एलर्जिक है बनस्पति के, ये रशियन पॉपुलर के पोलन। जो भी एलर्जिक पेशेंट्स होते हैं, ये डिपेंड करता है कि उसके किस पार्ट में ज़्यादा एलर्जी के सिम्टम्स होते हैं। एलर्जी एक ऐसी बीमारी है जिसको हम कम्प्लीटली क्योर नहीं कर सकते, इसको हम दवाइयों से कंट्रोल कर सकते हैं। पोलन एलर्जी को मौसमी एलर्जी भी कहा जाता है, जो कि दरख्तों, झाड़ियों और जड़ी बूटियों के छोटे ज़र्रात से पैदा होती है। वही रूसी सफ़ेदों से उड़ने वाली रुई न सिर्फ माहौल को आलूदा करती है, बल्कि इसके ज़रिए एलर्जी से लोग बीमार पड़ जाते हैं। और इस वक्त न सिर्फ बड़े बल्कि बच्चे भी नज़र ज़ुकाम, खांसी, बुखार और गले के इन्फेक्शन की शिकायत करते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वादी कश्मीर के मारूफ पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर नवीन नज़ीर साहब। खुश आमदीद है आपका। डॉक्टर साहब, सबसे पहले ही जानना चाहेंगे कि पोलन एलर्जी जो है वो हम हर साल देखते हैं, लेकिन जो रूसी सफ़ेदी से निकलने वाली जो रुई है वो ज़्यादा तकलीफ साबित हो रही है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ कहूँ कि जो ये हमारा चेंज ऑफ सीज़न होता है, जैसे मौसम सरमा से हम स्प्रिंग की तरफ आते हैं, तो एक तो टेम्परेचर चेंज होता है और सेकेंड हम देखते हैं कि इसमें पोलिनेशन ऑफ प्लांट्स होती है। जैसे आपने खुद भी कहा, डिफरेंट तरीके के प्लांट्स, हर प्लांट में ऑलमोस्ट पोलिनेशन होती है। और जो हमारे एलर्जिक मरीज़ होते हैं, वो किसी भी एलर्जी में मुबतला हों, वो स्किन एलर्जी हो, नेज़ल एलर्जी हो, आँख की एलर्जी हो, या अस्थमा के पेशेंट्स हों जो एलर्जिक अस्थमा में मुबतला होते हैं, जो जो इन पोलन से एलर्जिक होते हैं, उनके सिम्टम्स में जो वो इजाफा हो जाता है। उनको जिसे अस्थमा अटैक कहे या आप एलर्जी का अटैक कहे, तो इसमें हम देखते हैं कि इसमें ये हो जाता है। तो रशियन सफ़ेदों की आप बात कर रहे थे, उसकी वजह से जो रुई जो हवा में तैरती रहती है, वो बेसिकली पोलन नहीं है, वो एक्चुअली इस प्लांट का सीड है। लेकिन इसकी अब न्यूसेंस वैल्यू ज़्यादा हो गई है, क्योंकि ये एक वाहिद सा ऐसा चीज़ है जो हमें एटमोसफेयर में दिखता है। वरना अगर हम एटमोसफेयर में देखें, बहुत सारे पोलन हैं जो एटमॉस्फेयर में इस टाइम घूम रहे हैं, जो कि दिखाई नहीं दे रहे हैं, नेकेड आई को विजिबल नहीं है, वो दिखाई नहीं देते हैं, वो ज़्यादा एलर्जिक हैं बनस्पति के इस पोलन, रशियन पॉपुलर के इस कॉटन से, क्योंकि ये कॉटन जो है इसका साइज़ बहुत बड़ा होता है। और अगर हमारे मुँह में ये चला जाता है अंदर, तो लेकिन ये लंग्स तक नहीं पहुँचता, क्योंकि इसका साइज़ इतना बड़ा है और हमारे जो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होते हैं बॉडी में, वो इसको बीच में ही रोक के इसको हम बाहर निकल आता है। जो हमारी तहकीक भी यहाँ हुई है डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में, हमने देखा है कि जो बाकी प्लांट्स के पोलन है वो ज़्यादा एलर्जिक है बनस्पति के, ये रशियन पॉपुलर के पोलन से। अच्छा, चंद दिनों से हम देख रहे हैं कि एलर्जिक जो पेशेंट्स हैं उनकी तादाद बढ़ रही है। हम आपकी ओपीडी में अभी देख रहे थे, वहाँ भी जो एलर्जिक पेशेंट्स हैं उनकी तादाद ज़्यादा देखने में आई। तो आपको नहीं लगता है कि इस तरह के जो पोलन इस वक्त हवा में है और मज़ीद इसमें रूसी सफ़ेदे इजाफा करते हैं? जी बिल्कुल, ये तो इस साल की बात नहीं है, तो हर साल हम देखते हैं कि इस मौसम में जो एलर्जिक पेशेंट्स होते हैं उनकी तादाद जो है ओपीडीज़ में बढ़ती है। देखिए, उसके डिफरेंट वजूहत हैं। नंबर एक तो हमने पोलिनेशन की बात की ही, और आप देखते हैं कि हमारे यहाँ पे रोड्स की क्या हालत है, जो वहाँ पे पोल्यूशन है या डस्ट वगैरह इमिनेट होती है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। लेकिन हम देखते हैं कि इस साल अगर आपने देखा होगा कि हमारा मौसम जो यहाँ पे अभी तक भी हमारा ज़्यादातर वेट मौसम रहा है, दो तीन दिन के बाद बारिश होती रहती थी, उस जिसकी वजह से जो आलूदगी हमारे एटमॉस्फेयर में है वो नीचे आ जाती है, और जो सस्पेंडेड पोलन कुछ होता है उसकी तादाद जो है वो भी कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमने देखा कि हमारे अभी तक जो पेशेंट्स हैं वो उसकी तादाद कम थी। हालांकि वरना हम यूजुअली देखते हैं कि मार्च अप्रैल से ही हमारे पेशेंट्स आना शुरू हो जाते हैं, लेकिन इस ड्यू टू वेटनेस या रेनी सीजन हमें देखा कि थोड़ा सा डिले हो गया। और पिछले कुछ साल से जब हम कोविड में मुबतला थे, हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाते थे, मास्क पहनते थे, तो उस वो भी हमें एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म था कि एलर्जिक पेशेंट्स के जो अटैक्स दो तीन साल में रुक गए थे बिकॉज ऑफ कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर या मास्क,
उनमें भी हम देखें कि काफ़ी इजाफा हो रहा है। अच्छा, इस तरह के पेशेंट्स की अलामत क्या होती हैं जो इस तरह के मौसमी तब्दीली से एलर्जिक होते हैं? देखिए, यूजुअली जो भी एलर्जिक पेशेंट्स होते हैं, ये डिपेंड करता है कि उसके किस पार्ट में ज़्यादा एलर्जी के सिम्टम होते हैं। अगर हम सिंपल स्किन एलर्जी, तो स्किन में खुजली आना या एक तरीके के वो रैशेज जैसे निकलना, वो भी स्किन एलर्जी की अलामत है। अगर आँखों में पानी आना, आँखों की एलर्जी हो, आँखों की रेडनेस होना, आँखों से आंसू टपकना, या अगर नेजल एलर्जी हो जिसे हम एलर्जिक राइनाइटिस कहते हैं, जुकाम होना, नाक बहना, या गले की एलर्जी हो, गले में खराश होना, क्योंकि नाक जब एलर्जी होती है, नाक के डक्ट्स ब्लॉक होते हैं, नेजल लगे डक्ट बंद होता है, तो उसकी वजह से भी आंसू आते हैं। और जो ऑलरेडी एलर्जिक अस्थमा में मुबला होते हैं पेशेंट्स, उनमें सांस फूलना, चेस्ट टाइटनेस, खांसी आना, ये भी इस बीमारी के अलामत जो हैं, जो इस पोलन की वजह से एग्रीवेट होते हैं। अच्छा, जो आपकी ओपीडी में रोज़ाना आते हैं, तो उनमें भी इसी तरह की अलामत पाई जाती हैं? बिल्कुल, देखिए एब्सोल्युटली, ये जो हमारे, क्योंकि हमारे सिर्फ एलर्जी की ओपीडी नहीं है, हमारी मल्टी जो पल्मोनरी पेशेंट्स होते हैं, हर किसी तरीके के पेशेंट, इस मौसम में इस तरह के पेशेंट ज़्यादा, बिल्कुल इस मौसम में हम देखते हैं कि जो एलर्जिक पेशेंट्स होते हैं, उनकी तादाद प्रोपोर्शनेटली काफ़ी बढ़ जाती है। इसलिए हम लोगों को यही एडवाइस करते हैं कि जो एलर्जिक पेशेंट्स में ऑलरेडी मुब्तला होते हैं, तो उनका जो एलर्जी एक ऐसी बीमारी है जिसको हम कम्प्लीटली क्योर नहीं कर सकते, इसको हम दवाइयों से कंट्रोल कर सकते हैं। और उनकी बीमारी जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, दवाई से कंट्रोल होता है, इनकी एलर्जी भी कंट्रोल में रहती है बाय टेकिंग सम मेडिकेशन। वो डिपेंड करता है कि किसकी बीमारी की नवीयत, उसकी सीवियरिटी कितनी है, तो उसी के हिसाब से ये डिपेंड करता है। और हम हमेशा एडवाइस करते हैं अपने पेशेंट्स को कि जब ये ऑनसेट ऑफ सीजन होता है जिसमें उनके सिम्टम्स एग्रीवेट होते हैं, तो उससे पहले अपना एक मुलाहजा करवाएं डॉक्टर साहब से, जो भी उनको ट्रीट कर रहे हों, तो वो उनका ट्रीटमेंट भी ऑप्टिमाइज़ करेंगे और कुछ ऐसी दवाइयाँ भी बढ़ा सकते हैं जो एलर्जी के प्रिवेंशन में हेल्पफुल रहती है। यानी कि अक्सर हम देखते हैं कि पेशेंट हमारे पास आते हैं जब उनके सिम्टम्स एग्रीवेट होते हैं, वो दवाई खाते हैं तब सिम्टम्स को ख़त्म करने के लिए, लेकिन कुछ ऐसी दवाइयाँ आती है जो एक प्रोटेक्टिव इफेक्ट देती है, यानी कि जो ऐसी जो अटैक होने का अंदेशा होता है उसको रोक देती है और पेशेंट विदाउट एनी सिम्टम्स इस पीरियड से गुजर जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये एलर्जी हर एक को इफेक्ट करती है, हाँ वो एलर्जिक हो या ना हो। सीओपीडी पेशेंट्स की बात करते हैं या अस्थमेटिक पेशेंट की बात करते हैं, तो उसमें जो ट्रिगर का काम करता है ये, बिल्कुल अस्थमा एक ऐसी बीमारी ही है जो एलर्जिक अस्थमा होता है, उसमें ट्रिगर कुछ भी हो सकता है, जिस चीज़ से पेशेंट एलर्जिक हो, वो डस्ट हो, वो कोल्ड एयर हो, वो पोलन हो, या कोई भी ऐसे खाने की चीज़ हो, अगर कोई फूड एलर्जिक है तो ये सिम्टम्स उसमें एग्रीवेट होते हैं। और यूजुअली हम देखते हैं कि फिर उसकी वजह से हमारे वायरल डिजीज़, वायरल इन्फेक्शन भी एक बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, जिसकी वजह से ये एलर्जिक डिजीज़ जो है वो इंक्रीज़ होती है। और जिसकी वजह से अगर ये एलर्जिक, ये वायरल इन्फेक्शन की वजह से बाकी जो जैसे सीओपीडी की बात कर रहे थे, तो उसकी वजह से सीओपीडी के पेशेंट्स में भी जो है अटैक होने का अंदेशा रहता है। और इस सूरत हाल में हम ये भी देख रहे हैं कि न सिर्फ बड़े बल्कि बच्चे भी इससे मुतासर हो रहे हैं, स्कूल जाने वाले बच्चे हैं वो भी इस एलर्जी का शिकार होते हैं। और मेरी दानिश्ती में आया है कि जो बच्चे अभी नौजायदा हैं या एक साल के हैं या छः महीने के या आठ महीने के हैं, उनमें भी इस तरह की एलर्जी पाई जाती है। देखिए, जो एलर्जी यूजुअली होती है, ये एटॉपिक होती है, ये मारूसी होती है, यानी कि ये एक दूसरे से ट्रांसमिट नहीं होती है। कोई अस्थमा का पेशेंट अपनी बीमारी किसी और को नहीं दे सकता, लेकिन हम देखते हैं कि ये यूजुअली जीन्स में ही पाई जाती है, मारूसी आती है। बिल्कुल, अगर आप एक एलर्जिक अस्थमा के पेशेंट की सही से हिस्ट्री लें, तो वो अक्सर बोलेगा कि हमारे ख़ानदान में जी ऐसी ही प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को है। और ये यूजुअली प्रॉब्लम जो होती है स्टार्ट होती है बच्चों में ही, तो ये बच्चों से ही बचपन में ही इनके सिम्टम्स आना शुरू होते हैं और फिर आगे जाके वो बढ़ते हैं, या कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनमें बिल्कुल सिम्टम्स खत्म हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई अस्थमा का पेशेंट अडल्ट कि आप पूरी हिस्ट्री दें, यूजुअली वो हिस्ट्री देगा कि हमें ये सिम्टम जो है वो बचपन से ही आ रहे थे, क्योंकि अब बच्चे की जो एयरवेज होती है, यानी कि नालियाँ होती है इसकी, वो काफ़ी छोटी होती है, जिसकी वजह से अगर थोड़ी सी भी इन्फेक्शन हो गया या इन्फ्लेमेशन हो गई, सूजन आ गई, जो कि हमारे एलर्जिक पेशेंट्स में होता है, तो चूँकि सांस की नलियाँ जो है वो काफ़ी छोटी होती हैं, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ इन्फ्लेमेशन जो है वो इसको ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि इनके सिम्टम्स जो हैं वो बड़ों से ज़्यादा सीवियर होते हैं। माइल्ड एक्सेसरबेशन भी हो जाती है,
सिम्टम्स लेकिन काफ़ी एम्पलीफाई हो जाते हैं। अच्छा, इलाज से पहले हम बात करें कि एहतियात की, किस तरह का एहतियात करना चाहिए बच्चों को जो स्कूल जाते हैं, और बड़ों को किस तरह का एहतियात बरतना चाहिए ताकि इस तरह की जो इस वक्त हमारे माहौल में पोलन है उससे बचा जा सके। देखिए, पहले तो ये चीज़ है कि पहले एक प्रॉपर डायग्नोसिस बने कि आप एलर्जिक हैं। उसके बाद अगर आपको पता चला कि आप किस चीज़ से एलर्जिक हैं तो अवॉइडेंस थेरेपी सबसे बेस्ट है। अगर आपको पोलन से एलर्जी हो रही है तो कोशिश करें कि जिन पोलन से आपको एलर्जी है वहाँ पहले जाए ही ना। अगर आप ऐसी आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, आपको स्कूल भी जाना है या आपके काम काज पर जाना है, तो बाहर अगर निकले तो आपको एटमॉस्फेयर में एलर्जी होती है तो बेहतर अफजल है कि मास्क पहने। सिंपल एक चीज़ है, कोई हमारे कुछ करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बाहर स्पेशली जब बाहर जाए तो मास्क पहने, वो एक प्रोटेक्टिव इफेक्ट हमारे लिए साबित हो सकता है। इसके अलावा जो ऑलरेडी एलर्जी की बीमारी में मुबला है या एस्थमेटिक पेशेंट है, बिल्कुल, तो अपना वो ट्रीटमेंट ऑप्टिमाइज कराएं बिफोर द ऑनसेट ऑफ दिस सीजन। वो अपने रक्साइबन जिनके पास वो इलाज करवाते हैं उनसे एक चेकअप करा लें ताकि हो सकता है वो अपनी ट्रीटमेंट में थोड़ा सा रद्दबदल करके उनकी जो प्रॉब्लम है उसको कंट्रोल में रखेंगे और उसको ऐसी दवाई रखेंगे जिसकी वजह से इनको अटैक होने का अंदेशा जो है वो मिनिमाइज हो जाएगा। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि जब इलाज की हम बात कर रहे हैं तो क्या एंटी एलर्जिक ही इसकी दवाई है या दवा और भी है कुछ? देखिए, अगर हम एलर्जिक अस्थमा की बात करें तो या आम एलर्जी की जब बात करें, देखिए आँखों की एलर्जी है, नेजल एलर्जी है, चेस्ट की एलर्जी है, क्यों जैसे हमने पहले भी बात की एलर्जी की ऐसी कोई दवाई नहीं आई है अभी तक जो उसको खत्म कर सके, जो एलर्जी को जड़ से निकाल सके। एलर्जी कंट्रोलेबल है, ट्रीटेबल है, लेकिन क्योरेबल नहीं है। यानी कि इसको कंट्रोल करने के लिए हमें दवाई कंटिन्यूसली लेनी पड़ती है ताकि हमारी बीमारी जो है वो कंट्रोल में रहे, एक चीज़। सेकेंड चीज़, ट्रीटमेंट क्या देना है ये एक टेस्ट के बाद ही पता चलेगा कि सीवियरिटी ऑफ एलर्जी कितनी है, किस तरीके की दवाई। क्योंकि अब हम देखते हैं कि जो एलर्जिक अस्थमा की बात अगर हम करें तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो है वो मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट है, लेकिन अगर ये टैबलेट फॉर्म में हम लेते हैं तो इससे काफ़ी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। वो स्टोमक पे हो, वो ब्लड प्रेशर पे हो, वो डायबिटीज़ पे हो, वो हमारी हड्डियों पे हो, तो ये इसके काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स हैं। लेकिन अगर यही फॉर्म ऑफ मेडिसिन हम इनहेल्ड फॉर्म में लें तो ये डायरेक्टली वहीं पे जाता है जहाँ असर करना होता है और उसका डोज भी कम होता है। ये सिस्टम में हमारे ब्लड सिस्टम में नहीं जाता है जिसकी वजह से दूसरे जो ऑर्गन्स है उसको इन्वॉल्व करें। इस वजह से जो है इनहेल फॉर्म ऑफ मेडिसिन एलर्जी कस्टमर के लिए बेस्ट फॉर्म ऑफ मेडिसिन है। अगर नेजल से एलर्जी हो रही है तो नेजल स्प्रे बेस्ट फॉर्म ऑफ मेडिसिन है जो उसको वहीं पे कंट्रोल। आई की एलर्जी हो रही है तो लोकल ड्रॉप्स, अगर स्किन की एलर्जी हो रही है तो इसको हम कुछ लोकल क्रीम्स वगैरह से कंट्रोल कर सकते हैं, या अगर कोई एक्यूट सिम्टम्स है उसको हम ओरल एंटी एलर्जिक दे सकते हैं। लेकिन ओरल एंटी एलर्जिक लॉन्ग रन पे लेना सेहत के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि कुछ एंटी एलर्जिक्स के हार्ट पे भी असरात बुरे होते हैं अगर वो कंटिन्यूसली लिए जाए, या इसके अलावा एक इंसान आदि बन जाता है ओरल टैबलेट्स का कि एक बार वो ले लिया, अभी वो हफ्ते में दो बार ले रहा है, आगे जाके उसको इसका इफेक्ट नहीं होगा, चार बार लेना पड़ेगा, फिर कंटिन्यूसली लेना पड़ेगा, और फिर कंटिन्यूसली लेने के बाद उसको एक टैबलेट पर डे भी असर नहीं करेगा। इस वजह से बेहतर अफजा यही रहता है कि जो आप तो डॉक्टर साहब जैसे भी आपको ट्रीटमेंट एडवाइस करे डिपेंडिंग अपॉन द सीवियरिटी ऑफ डिजीज़, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा बनस्पत की ओरल एंटी एलर्जिक कंटिन्यूसली लेने से। एंटी एलर्जिक एक दो दिन के लिए ले लिया कोई हार्म नहीं है, लेकिन अगर उसको बार बार ज़रूरत पड़ती है तो वो ये सही दवाई नहीं है। एंटी एलर्जिक तो चले साइड में रखें, इसके अलावा उनको लगता है कि इन्फेक्शन हो गया वो ओवर द काउंटर केमिस्ट के पास खुद ही जाते हैं, वहाँ से एंटीबायोटिक ले लेते हैं। जबकि एलर्जिक पेशेंट्स में अनटिल कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो कोई रोल ही नहीं है एंटीबायोटिक्स का। एंटीबायोटिक अननेसेसरली वो लेते हैं जबकि उनकी सिम्टम जो है एक एंटी एलर्जिक टैबलेट से या जो भी फॉर्म ऑफ मेडिसिन वो लेते हैं उससे कंट्रोल में आएगा, और वो अननेसेसरली एंटीबायोटिक लेके एक अपनी बॉडी पे भी बुरे असरात उसके होते हैं, और सेकंड उन बुरे असरात की तो छोड़ दे एक रेजिस्टेंस डेवलप होती है, क्योंकि जब एक फिर इन्फेक्शन होता है सही मानों में तो फिर वो दवाई असर नहीं करती है, उसको फिर हायर एंटीबायोटिक की तरफ जाना पड़ता है, एक रेजिस्टेंसी डेवलप होती है। इसलिए अननेसेसरली खुद से मेडिसिन लेना हमारे जिस्म के लिए बहुत मुझे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने पोलन और
روسی سفیدی سے نکلنے والی روئی ہے اس سے ہونے والی الرجی سے متعلق ہم سے بات کی اور ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. آپ کا بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ.